बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी हौसला अफजाई के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और कमेंट्स भी क्या करें, और जो कुछ आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं एक डॉक्टर भी हूँ। इस हवाले से आपको जो भी चीज़ें, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो पूछा ज़रूर करें। वीडियो देखने से पहले अहम दरख्वास्त है, मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और तमाम वीडियोस को भी लाइक करें और कमेंट्स करें, वीडियोस को शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो महंगे नुस्खे इस्तेमाल नहीं कर सकते, मेरी बताई गई टिप्स और नुस्खे पर अमल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। किसी का अच्छा सोचना करना भी सवाब है, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग मेरी बात पर अमल करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिए और कमेंट्स करिए आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को सुना करें, आप लोग सिर्फ देखते हैं इसलिए ज़्यादा समझ नहीं आती, सुनने से आपको ऐसी टिप्स मिल जाती हैं जिसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। लिहाजा सुनने के बाद जो समझ ना आए मुझसे पूछा करें, पूछने से आपकी भी जो होगी वो गलतियाँ दूर हो जाए करेंगी। तो मैं अपने अब टॉपिक पर जाऊंगी, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे। थैंक्स। चलें चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जनाब, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ लंबी और सेहतमंद जिंदगी पाना हर इंसान की ख्वाहिश होती है, मगर कम लोग होते हैं जिनका ये ख्वाब का रूप धार पाता है। यानी जिंदगियाँ इतनी कम है। भारतीय शहर कलकत्ता में मुकीम स्वामी सेवानंदाबेन खुश नसीब लोगों में से एक है जनाब, जो 120 साल के हो चुके हैं और आज भी ना सिर्फ काबिल रश्क सेहत के मालिक है बल्कि हर रोज घंटों योगा भी करते हैं। जी हाँ, आप लोग हैरान हो गए होंगे कि कैसे पॉसिबल है। स्वामी की अच्छी सेहत और तवील उम्र का राज जानने के लिए बहुत बार कोशिश की गई, लेकिन इन्होंने चुप साधे रखी। हाल ही में इन्होंने पहली बार चुप का रोदा तोड़ा और अपना राज दुनिया को बता दिया। स्वामी का कहना है कि वो तमाम उम्र सनफ मुखालिफ से दूर रहे और यही है इनकी अच्छी सेहत और तवील उम्र का असर राज, जबकि मसाले से पाक गिजा और पाबंदी से योगा करना भी इनका मामूल है रहा है। स्वामी के पासपोर्ट पर इनकी जाय पैदाइश 8 अगस्त 1896 दर्ज है, यानी इस हिसाब से वो दुनिया के तवील उम्र तरीन जिंदा शख्स हैं। इन्होंने अपनी सारी उम्र हिंदू मत के मुकद्दस शहर वाराणसी में गुजारी है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से कोलकाता में मुंतकिल हो गए हैं। भारत में इन्हें एक सेलिब्रिटी की हैसियत हासिल है और इनके परस्तारों की तादाद लाखों में है। सेहत तवील जिंदगी के मौजू पर गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि जब्त ही जिंदगी में सबसे अहम चीज है। अपनी गिजा, वर्जिश और जिनसी ख्वाहिशात को जब्त में लाकर इंसान जो चाहे फतह कर सकता है। अपनी जरूरत पर काबू पा लेना जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। मैंने एक सेहतमंद और तवील जिंदगी इसलिए पाई कि मादी अशिया मेरे लिए खुशी का सबब नहीं बनी। मैं एक बहुत ही गरीब घराने में पैदा हुआ, आज भी वैसा ही हूँ। आज के लोग बहुत नाखुश हैं, इनकी सेहत भी अच्छी नहीं और इनमें दयानतदारी भी नहीं। मुझे ये देखकर दुख होता है कि इनके गमों और बीमारियों की वजह मादा परस्ती और मादा अशिया है। मैं खुशियों की तलाश है, वादा रहे कि अपनी तवील उम्र और शानदार सेहत की बदौलत स्वामी सेवानंदा भारत के अलावा बैनुल अक्वामी शोहरत भी रखते हैं, लेकिन इनकी तर्ज जिंदगी नाकाबले यकीन हद तक सादा है। वो कहते हैं सारी उम्र इन्होंने बिस्तर का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि जमीन पर चटाई बिछा कर सोते हैं और तकिए की जगह ईंट इस्तेमाल करते हैं। अपने परस्तारों के इसरार पर वो इस बात पे राजी हो गए
कि इनका नाम दुनिया के तवील उम्र इंसान में शामिल किया जाए। तो उम्मीद करती हूँ आज आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अगर आप लोगों को भी अपनी उम्र तवील करना है तो आप भी योगा करें, आप भी परेशानियों से दूर रहें ताकि आप भी लंबी उम्र पा सकें। ठीक है, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।